विनीता, आप देख रहे हैं बिंग पॉजिटिव विद विनीता। देखिए बहुत ही अच्छी कहानी है क्रोध के ऊपर कि हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए। समझाने के लिए मैं आपको बताना चाहूँगी, एक लड़की थी बहुत ज़्यादा गुस्सा करती थी, हर समय चीखती रहती थी, गुस्सा करती रहती थी। आपको पता ही है कि गुस्सा आजकल के बच्चे, वैसे भी आजकल का खून पता नहीं कैसे बच्चों में बहुत ही गुस्सा होता है, तो हमें उसको समझाने के लिए मैं आपको कहना चाहूँगी, बच्चे भी जरूर इस मेरी बात को, आज की भावी पीढ़ी भी इस बात को ध्यान से सुने कि एक लड़की बहुत ज़्यादा गुस्सा करती थी। उसके पिताजी ने कहा कि जैसे इसे बड़ी हो रही है, कल को इसकी शादी भी होगी, इतना गुस्सा करती है अच्छी बात नहीं है, और हमारे स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक होता है गुस्सा करना। पिताजी ने अपने पास बुलाया अपनी बिटिया को, उसने कहा हाँ जी बोलो क्या कह रहे हो। वो अपनी माँ बाप से भी ऐसी बुरी तरह बोलती थी। उसने अपनी बेटी के हाथ में एक हथौड़ा और कुछ कीले दी, एक मुट्ठा भर के कीले दी, और कहा कि बेटा मैं तेरे को कीले और हथौड़ा दे रहा हूँ एक महीने के लिए। देख बेटा, जब भी तेरे को क्रोध आए तूने दीवार में कील को गाड़ना है, और धीरे 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 जैसे जैसे क्रोध मतलब जितनी बार गुस्सा है उतना आपने कील को गाड़ना है बेटा। तो उस बेटिया ने कहा ठीक है पिताजी, एक महीने तक मैं ही करके देखती हूँ। अब जैसे अगले दिन उसको गुस्सा आया, उसने एक कील लगा दी, 10 मिनट बाद फिर गुस्सा आया, एक कील लगाई। उसने पिताजी से कहा पिताजी तो कीले बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगी। पिताजी ने कहा थोड़ा क्रोध कम करना शुरू करो बेटा, जिससे कि ये कीले पूरे महीने चलानी है तुमने। अब लड़की का धीरे 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 गुस्सा कम होता चला गया। आखिर के दिन के लिए केवल एक कील बची पूरे एक महीने में, उसने वो भी गाड़ दी, दीवार पे सारी कीले लग गई। अब लड़की ने कहा मैंने कीले तो गाड़ दी पिताजी, अब मैं क्या करूँ। पिताजी ने कहा बेटा ऐसा करो, मैं एक महीना और दे रहा हूँ। अब धीरे धीरे वो एक एक कील करके आप निकालना शुरू करो। उसने धीरे 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 रोज की कभी एक कभी दो, जैसे जैसे अच्छी बातें उसने करी निकालनी शुरू करी। कुछ ही चंद दिनों में, एक महीना भी नहीं लगा, वो सारी कीले निकल गई। उसने अपने पिताजी से कहा पिताजी मैंने कीले निकाल दी, अब आप बताओ आप क्या कहना चाहते हो, क्या समझाना चाहते हो। तो पिताजी ने कहा देखो दीवार की तरफ। लड़की ने देखा तेरे कीले तो निकल गई लेकिन क्या रह गया दीवार पे। लड़की ने कहा पिताजी जहाँ कीले लगी थी वहाँ छेक रह गए, निशान रह गया। क्या समझे आप लोग? हम समझे कि हम गुस्से में कुछ भी बोल देते हैं जो मन में आता है, या फिर हम कभी रो रहे होते हैं हम सिर्फ बुरी बातें उस इंसान के बारे में सुनते हैं, पर हम ये नहीं सोचते हैं कि वो इंसान हमें कहना क्या चाहता है, और उसके घाव जो भी हम गुस्से में बोलते हैं वो जिंदगी भर हमें सताते हैं। बेटा ये तो बहुत अच्छी बात बोली है, लेकिन थोड़ा सा और मैं समझाना चाहूँगी। जैसे दीवार पे निशान रह गए ऐसी वो है, अगर हम किसी को तंग करते हैं गुस्सा करते हैं हमेशा के लिए वो उसके मन में वो छेद बना के रह जाते हैं। अभी जो इस बच्चे ने बोला वही बात सच है कि किसी दोस्त के ऊपर अगर उसने कोई गलती करी हुई खाम हम बहुत गुस्सा कर रहे हैं तो हमेशा के लिए उसके में वो रह जाएगी टीस की, जैसे दीवार में छेक रह गया था कि इसने मेरे पर क्रोध करा, मैं इससे दोस्ती नहीं रखूँ। ऐसे रिश्तेदारी में भाई बहन पे करते हैं, बच्चे माँ बाप पे करें, वो हमेशा के लिए वो निशान रह जाते हैं दिल के ऊपर जो हमने दूसरे के ऊपर क्रोध करा। इसलिए सदा हमें जल की तरह शांत रहना चाहिए। पर मुझे उसके बारे में एक और चीज़ बोलनी है कि जैसे दीवार थी वो दीवार को सीमेंट डाल के भरा भी जा सकता है प्यार से। बच्चा प्यार से, बिल्कुल ठीक, वेरी गुड। सीमेंट तो लेकिन फिर भी निशान दिखेगा, बताओ आप क्या कहना चाहते हो। सीमेंट रंग चीजें लेकिन उसके ऊपर सफेदी करना बहुत जरूरी है। मतलब प्यार के रिश्ते इतने ज्यादा रंग भर दो, प्यार से इतना भर दो कि सफेदी पोत दो उसके ऊपर कि हमें वो निशान दिखे ही नहीं। इसके साथ ही मैं आपके साथ, आप कुछ बोलना चाहते तो बोलिए। जिंदगी एक ही मिलती है, यादें एक ही बार होती है, उसका एक सदुपयोग करिए। उसको जीवन जीने के लिए है, ना कि दूसरे को तंग करने के लिए। खुद भी जियो औरों को भी जीने दो।